अच्छा लगा था बेटा, जी देखा इसी, था। आप माइक अपने पास रखें, क्योंकि एक और नज्म, अगर आप कोई प्यार भरी नज्म या तकरार भरी नज्म, जो भी आपको। मेरी मुश्किल ये है कि मैं, काश मेरी 2% मेमोरी होती जावेद साहब की तरह तो मुझे याद रहता। जावेद साहब पूरे कौन सा है, अब मेरा और मेरा, मैं जो गाने की बात कर रहा था विशाल के साथ लिखते हुए क्या होता है, अब मैं ये कुछ लम्हे हैं जो जिंदगी में होते हैं, घर में होते हैं, बाहर होते हैं, जहाँ भी होते हैं, मेरा काम है उन्हें संभाल लेना। और वो एक लम्हा है और ये एक होमवर्क है जो मुझे देकर गया है कोई, वो मौसीकार है, म्यूजिक डायरेक्टर है, वो मौसीकार है, एक धुन मुझे दे कर गया है, मुझे एक ट्यून दे गया, इस पे गाना लिखना है। दिन भर गूंजती रहती है धुन सर में, कोई भंवरा सा मंडलाता है जो बेचैन रखता है, कली फूटे कोई अब जहन में तो किसी मिसरे पे भंवरा बैठ जाए, वो मौसीकार है, एक धुन मुझे दे कर गया है, विशाल उसका नाम है। वाह वाह वाह। अब ये थोड़ा सा मैं बदतमीजी वाला वो लगेगा किस्सा, ये 2-3 बार हुआ है मेरे साथ भी, और भी 2-3 लिरिक्स राइटर हैं उनके साथ भी हुआ है जो आज के लिरिक्स राइटर हैं। हमको कहा गया है कि गुलजार जैसा मत लिखना, गुलजार जैसा मत लिखना, सिंपल लिखना। आपको भी कभी किसी ने कहा क्या गुलजार जैसा मत लिखना? मुझे नाम लेके तो नहीं कहा उन्होंने, इस तरह से कहा कि आप अपने जैसा मत लिखिए प्लीज। अब आपको बुरा तो लिया, आप अपने जैसा ना लिखेगा। अच्छा मैं अगर पूछूं भी उनसे तो वो भी किसी का नाम नहीं लेते तो, लेकिन वो ऐसे कहते हैं देखिए अब चश्मे बदूर जैसा कोई लिखिए ना, कोई दूर से आवाज आ रही हो। तो उनसे मतलब पूछा कि चश्मे बदूर का मतलब क्या है जी? चश्मे मतलब चश्मा, वो जो स्प्रिंग कहते हैं जिसको वो बहता हुआ आता दूर से, वो चश्मे दूर हो गया। अब उनकी अपनी नॉलेज जबान के बारे में इतनी हो तो मैं क्या करूं। हाँ बस मैं ये कहूंगा कि मैं बस यही कहता हूं कि हम चाह कर भी नहीं लिख सकते गुलजार जैसा, तो वो हमारी औकात ही नहीं है उतनी, पर शुक्रिया। अब हम अगली जो शख्सियत हैं इस महफिल में जो आएंगी हमारे साथ